में आपका स्वागत है। आज का विषय है रियल एस्टेट बिल आखिर इतने धक्के क्यों खा रहा है। हम इसकी बात कर रहे हैं पिछले 10 सालों से संसद की लाल और हरी गलीचों से होकर के धक्के खाते हुए ये बिल आखिर जैसे तैसे करके साकार भी हुआ तो अब राज्यों की विधानसभाओं राज्यों की सरकारों के टेबल के नीचे जाकर के जा छिपा है। अभी तक आज 1 अगस्त है, 31 जुलाई इसके नोटिफिकेशन का लास्ट टाइम था। आज 1 अगस्त को हम जब इस पर बात करने बैठे हैं तो हमारे पास जो आंकड़े हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अभी तक 14 राज्यों ने इसको नोटिफाई किया है जबकि जो हुपा के सेक्रेटरी जो है राजीव रंजन मिश्रा उनके हिसाब से आज तक की तारीख में 14 ऐसे राज्य और हैं जो इसको नोटिफाई करने के लिए बन चुके हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ सबसे लास्ट है 2017 के जो भी चीजें नहीं हो पाई हैं। मैं आपको इस बात पर और लेके चलूंगा कि इस जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है उनमें जो 14 राज्य हैं और जिन्होंने आसाम झारखंड तेलंगाना और सिक्किम त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसको नोटिफाई करने की जो रस्म किया जाना है वो अभी तक नहीं किया है। वही कुछ ये राज्य इसका वेब पोर्टल है कि देश भर में पिछले 10 साल बिल के इतिहास को राज्य नहीं है जहां जरूर इसकी हो चुकी है। जिन्होंने नोटिफिकेशन है बिहार और हमारा राज्य 2017 को उसको नोटिफाई किया था। सबसे अच्छा काम कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जहां पर नोटिफाई करके इसकी पोर्टल बना दिया गया है। तो हमारे बिलासपुर के जो रियल स्टेट के क्षेत्र में व्यवहारिक स्तर पर भी कई चीजों को देख रहे हैं साथ ही नीतिगत पॉलिसी दाएं तरफ है शैलेंद्र सिंह साहब जो स्टार प्रिंटकॉम से जुड़े हुए हैं उनके ठीक बात बैठे हुए हैं। मंत्री का बिलासपुर की यूनिट है दिनेश जैन साहब और यहाँ के प्रतिष्ठित बिल्डर साहब हैं जो गीतांजलि ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं क्रेडाई की बिलासपुर शाखा के आप प्रमुख बिल्डर्स के साथ साथ संरक्षक हैं क्रेडाई के। तिवारी साहब गौरव तिवारी साहब भी स्टार बिल्डकॉन हैं जो आधारशिला बिल्डकॉन तो साथ ही साथ क्रेडाई के सेक्रेटरी हैं। तो सबसे पहला प्रश्न शैलेंद्र साहब आपके पास इस तरह के पूरा वो है कि 2013 किस तरह जिगजैग कर आता भी है तो बात क्या है इस पूरे बिल में आपके पसीने छूट रहे हैं। हमारा बिजनेस हरित नहीं है रियल एस्टेट ऐसा है जी तो वो उपभोक्ता से संबंधित उसको लेते हुए बिल लाना चाह रहे हैं कि 2007 में सबसे पहले आई थी कहा गया कि पूर्ण रूप इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी को वापस किया जाता है उनमें से एक बिल ये है कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ये साकार नहीं हुआ। क्रेडाई के संस्थागत प्रभारी हैं मुझे साहू साहब से यही प्रश्न दोहराता हूँ। छत्तीसगढ़ हम लोग तो चाह रहे हैं कि रेरा एक्ट जल्दी से जल्दी लागू हो। अभी छत्तीसगढ़ में कार्बोनाइजर एक्ट हम लोग निरंतर उसी को हम लोग ले रहे तो यहाँ लगभग 50 हमारे हम लोगों का क्रेडाई कोड ऑफ कंडक्ट साइन किए हुए हैं और जिस प्रकार से उसको लाना चाह रहे हैं पहले से काम कर रहे हैं करना चाहते हैं जितने रजिस्टर्ड में लगभग 50 से ज़्यादा अगर रेरा का प्रमुख उद्देश्य ये है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ट्रांसपेरेंसी से अच्छा काम हो करके तो इसको लाने में पीछे हट रही है। हम ये चाहते हैं कि अच्छी बात नहीं है हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रेरा एक्ट आए हम तैयार हैं उसके लिए। गवर्नमेंट को इसमें दिक्कत क्या हो रही है जो क्रेडाई खुद एक हो रहा है आपने ऑफिशियली कभी इस संबंध में बहुत स्थायी रूप से डॉक्यूमेंटेड कोई बात रखी है कि वी नीड इट। निश्चित रूप से हम हमारा रेरा के संबंध में भी चर्चा की है किंतु प्रमुख रूप से हमारा यहाँ का जो स्थानीय समस्या उसके संबंध में किए थे जी। ग्वालानी साहब आप बहुत वरिष्ठ हैं और इस क्षेत्र में काफी अरसे से हैं तो आप एक तो पहला ये किया सुपर पेंटअप एरिया जिसको बोलते थे कि सीढ़ी गली गलीचे और पार्किंग इत्यादि का भी खर्चा जरूर बढ़ेगी शब्दावली इधर उधर हुई है बाकी फिर हिसाब से हो जाएगी। दूसरा स्टेशन जरूर वारंटी दी गई है डायरेक्ट वारंटी नहीं है इनडायरेक्ट वारंटी है वो इस तरह की है कि अगर स्ट्रक्चर कोई खामी इसको 5 साल तक क्लेम कर सकता है जिसको बिल्डर को उसको 30 दिन के अंदर शॉर्ट आउट करना पड़ेगा कंप्लेंट आती है। ये सारी चीजें जो दिख रही है एक तरह की एक अथॉरिटी है जैसे आपने बताया कि हम कोई कठिनाई नहीं है हम लोग तो उसका स्वागत करते हैं। ये इसलिए लाया गया है पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो NCR मेट्रो सिटी यहाँ डिलीवरी की प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में कोई डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं है इनको ले ली थी और लिए भी होंगे तो डिलीवरी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था जी। अब रह गया सवाल हमारी नेक टू नेक हर अर्बन डेवलपमेंट से लेकर हर जगह जाते हैं शुरू से
लेके चल रहे हैं। तो मेन इसमें जो समस्या है जो लेकिन जो अवैध काम कर रहे हैं उसके लिए सरकार कोई सबसे बड़ा जो माइनस है, शासन ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि अवैध लोगों को जेल जाने की दिक्कत नहीं है, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, लेकिन जो अवैध कर रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं। इसका इसमें नितांत अभाव बिलासपुर में, बिलासपुर की तो लीगल 5 एकड़ का लेआउट 15 एकड़ जमीन बिक जाती है, उसके शासन कुछ नहीं कर तक मतलब अपन रोकेंगे। और हम लोग को 3 साल की गारंटी पहले पुराना काम कर रहे हैं 31 साल से, और हम लोग मकान में अटेंड करते थे। अब इसमें ये है कि भाई बात होती थी बम्बई थी कलकत्ते में बात होती थी, हमारे यहाँ सुपर बेटअप का पहले भी चलन नहीं था, आज भी चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया तरीका है। ऐसे लोग जो नहीं तो उसको बेचिंग के लिए सुने अवैध आदमी को कैसे रुके हम, हमारा धंधे की तैयार होगी। इस बात को सोचा है सिविल के लिए वो ऑटोमेटिक है कि जो इसके बाहर है कि शासन को देखिए एक्ट सभी स्टेट को मुलाकात की थी और उनका कहना था कि हम बिल में ज्यादा फिर है, तो जैसे हमको ये कह रहे हैं कि आप रजिस्ट्री कर पाओगे, ऐसा वो अवैध कॉलोनाइजर के लिए कर दे कि जिसके पास नहीं है रजिस्ट्रेशन उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। गौरव साहब आप क्या देखते हैं, बात करें छत्तीसगढ़ चूंकि बड़ा मार्केट है, न्यू डेवलपिंग बहुत है, बड़ा मार्केट है और विकसित राज्यों की से तुलना संभावनाएं नजर आती है, और ज्यादा एक्सेप्ट संजय बाजपेयी बिल्डर बहुत बताया कि हम तो पहले से ही कारपेट पे काम कर रहे हैं, और एक में इस बिल को रोकने की क्या वजह आना चाहिए आपकी छत्तीसगढ़ में जो रुका हुआ है, क्योंकि नियम अभी तक के ट्रांसपेरेंसी के ये महसूस होता है। सरकार भी ने बताया कि वैध काम करने वालों के लिए नियम है और अवैध बिल्कुल सत्य है, इसके साथ बैठक करके एक रास्ता निकालना चाहिए। मेरा बिल के पहले से 3-5 साल से सिस्टम लागू होना चाहिए जो कि महाराष्ट्र जैसे साथ लागू होना चाहिए, जिससे रेडा और विंडो के लिए बात कही गई है कहीं कहीं अनुमतियां जरूर आउट किया जीवन को। जनरली तो 17 तरह के बिल होते रेकमेंड किया है रेरा ने, क्योंकि रेरा में अगर आप चले गए तो आपको फिर बाकी जगह जिस कॉलोनी में बना रहे मोहल्ले आसपास आपके नजदीकी नेबर सोसाइटी है बहुत ज्यादा उसमें नहीं है, लेकिन अब जो नोटिफाई हुआ है बिल उसमें भी आउट कर रहे थे तो उसमें ये ड्रॉबैक है किया गया है सिंगल विंडो क्या। अजय जी आप आउट भी किया होगा, आपके हिसाब से इस तरह से ये फिल्टरों के लिए भी अच्छा है और यदि हम बिल्डर एक एक्ट ला दिया कि ये प्रावधान प्रश्नता को पर, और यदि कोई बिल्डर है और ये छोटी सी हर ग्राहक जानता है, हर हम खुद खड़े होते हैं हमारी विश्वसनीयता, हम किसी के घर पानी छूता रहता है यदि उसका नल नहीं, शहरों में कार ही उसकी विश्वसनीयता है। तो यहाँ पे जब ये कानून आया है, कानून बना, अब बात होती है कि बिल्डर फंसता कहाँ। आप बताइए नगर निगम, आप बिल्डर और कस्टमर का रिलेशन बिगड़ा, मैं कस्टमर को राइट आउट सेल कर सकता हूँ और उसका सर्विस कैसे बचा सकता हूँ, पर अभी मैं सर्विस के भी हाथ में मेरे को पटाना है, मॉर्गेज रिलीज का बात है। कोई एक कानून यदि आप कानून बनाने के अंदर जो व्यवस्था है उसके ऊपर भी मैं बोलता हूँ, यदि बिल्डर के लिए आपने एक कानून ले अधिकारी गड़बड़, कस्टमर केवल कानून के कारण परेशान होते हैं। तो क्या कानून नहीं होना चाहिए, नहीं इम्प्लीमेंटेशन करने वालों पे क्या कार्रवाई होती है वो भी उस कानून में नहीं है। ये वो भी कानून है कि कोई बिल अगर बाहर है तो उस पर अप्लाइड नहीं होगा, लेकिन उस पर फिर उसने किसी गलती करने पर 302 बाहर देश के बाहर का आदमी उस पर 300 कैसे लगेगी, उसको उस कानून लगेगा, वहां पर कानून लगेगा। साउंड भी इसमें वैसे शासन को भी अपना लेवल को चेंज करना चाहिए, एक तरफा नहीं होगा, एफर्ट संभव नहीं है, चीजें हो रही है, उनके लिए भी ऑम्बड्समैन लोकपाल की बात की जा रही है, उनके लिए सिटीजन चार्ट ध्यान से शायद भटकते हैं। चतुर्वेदी साहब आपसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर अटेंशन दी, इस पे एक मामला आया था आदर्श होटल आया, तो छत्तीसगढ़ का बाजपेयी होटल उठाना है, इस तरह का अगर मामले हुए हैं पिछले 10 साल ने की हो, लेकिन जिन्होंने भी की है उन्होंने हीरा नंदानी तक को इसमें एक्चुअली जैसा हमारे साथियों ने अभी बातचीत के दौरान जो रेरा है ये हैंडओवर करते थे प्रॉपर्टी उनके लिए लागू हुआ है, छोटे उससे प्रभावित छोटे छोटे शहरों में काम, ये पूरा एकदम से वन साइडेड हो गया भाई। बिल्डर भी एक व्यवसाय करने वाले लोग हैं, रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, उनके साथ
तैयार किया है सरकार ने हर स्तर पे, हर आपकी क्रेडिट तो अभी आई है, बहुत साल नहीं हुए लेकिन मिलकर के गवर्नमेंट ने हुआ है। रेरा के केस में ये वाली बात नहीं है, अलग अलग हमारे छत्तीसगढ़ क्रेडाई के जो पदाधिकारी हैं, आप केवल प्रयास न करें सरकार। और ये ड्रॉबैक है इस रेरा में कि अगर बिल्डर कस्टमर है वो बिल्डर के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है रेरा में, लेकिन वो रेरा में जाए। बहुत कंज्यूमर प्रोड्यूसर में दोनों में जो भी कानून उनमें यही है, कंज्यूमर ही चीजें हैं, जो देने वाला है उसके पास ज्यादा ताकतें हैं। दूसरा क्या होगा, बिल्डर और कस्टमर के बीच हम लोग पूरी तरह से उनके लिए समर्पित है भाई। अगर हमको आगे काम है, आगे मार्केट में रहना है, सरकार सोच रही है कि हम चाबुक लेके और कस्टमर को न्याय चीजों को एक बार डिसिप्लिन में करना पड़ेगा। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन इससे वो भी बोलना चाहूंगा ए क्लास की सिटी के लिए, बी क्लास के लिए, जैसे कि जनसंख्या के हिसाब से हमारे बिल्डर, इसमें ऐसी कोई आगे बोलना चाह रहा हूँ कि 5 लाख तक की जनसंख्या के लिए बिल्डर की जनसंख्या नियम बोलती है बिल्डरों के लिए, दूसरी तरफ सरकार पुराने नियमों को दरकिनार कर यहाँ जो बिल्डर है वो व्यापार कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील करते हैं। मेट्रो सिटी चीजें अलग अलग रहती है, जैसे की फिल्मों में होता है, प्रमोटर्स अलग रहते हैं, डेवलपर्स अलग रहते हैं, डील करता है पेमेंट कोई और कंपनी, वहाँ पे एक एसोसिएशन की तरह एक बिल्डर काम करता है। स्टेट को हमारी फिक्स है ना, हम एक देश के वासी हैं, तो छत्तीसगढ़ कहीं मिलेगा ही नहीं। मतलब आप उन काम लगा रहे जिसमें तो पब्लिक के डिविंग काम आप डायरेक्ट कर रहे हैं का कहना है हमारा। अगर देखिए हम लोग तो इतना सम्मान करते हैं, राज कुमार जी पी एफ 15 साल का कर्जा लेके हमसे 2 कमरा लेता है, मेरा हम ग्राहक के साथ उनको डिफाइन करना था, हम नेक टू नेक खुद कस्टमर को बात करते हैं और हमारा ग्राहक एक क्वालिटी ऑफ सर्विस का मामला नहीं, बहुत का मामला कहां है, स्टेट की शिकायत नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये कोई बात नहीं है। सपोज की और बिल्डर ग्रुप एक कर दिया गया, एक तो आपके आम जनता के हित में कभी नहीं हो सकता। पर इसमें आज आपको सरकार ने बनाया था और टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज के लिए अलग अलग नियम ध्यान में रख करके इस नियम को लागू कर। टीयर 2, टीयर 1 तो फैसिलिटेशन का मामला है, इसमें फैसिलिटेशन कहां स्पेशल का मामला नहीं, वही भी अलग है। आप जो दिल्ली में कष्ट नहीं समझे, आप हमारी भाषा को नहीं समझ रहे जी। मेट्रो बिल्डर संस्था जो 4,000-5,000 फ्लैट का प्रोजेक्ट लेके खड़े होते हैं वो अपने कारपोरेट सेक्टर की तरह काम करते हैं, और बिलासपुर रायपुर जैसे शहर में बिल्डर ये तो आप कोई निर्माण एजेंसी नहीं है, जो बिल्डर है वही निर्माण कर रहा है, जो वही सब कुछ मैनेजमेंट देख रहा है। बिल्कुल सही है गौरव साहब, बात है एक सिविल बनाने की बात हो रही है, सारे बोर्ड्स मर्ज करिए, यूनिफाइड बोर्ड बनाया, फाइनेंस का सबसे बड़ा जो आपका स्टेप उसमें इसमें होते हैं। मैं दिनेश जैन साहब हमारे पत्रिका समाचार पत्रिका के जो यूनिफाइड है का जो डंडा चल रहा है पिछले 1.5 साल से, इस सब में करीब करीब मोटा मोटी 300 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं जो स्टडीज के प्रिंट मीडिया के जो सभी जगह ये बात करी जाती थी कि हम नेक्स्ट ईयर जो भी प्लान करेंगे उस पर इस परसेंट पे ग्रोथ लेंगे या उस परसेंट कि जो लास्ट ईयर अचीव करा है हमने के नाम पर उसी को हम उसको कैसे भी पकड़ो, और अगर वो उस सेगमेंट से नहीं आ रहा है तो आपको दूसरे सेगमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। हट चुका इतना फोकस कैसे वो बूस्टर्स में लगे, कौन सा बूस्टर लगे, एक सबसे बड़ा दिक्कत है यहाँ का वो बहुत डिले चल रहा है, अगर वो आएगा तो मोस्टली रियल इस्टेट क्यों नीचे जा रहा है, इसे आप दो साथ में गवर्नमेंट का और वो अफोर्डेबल हाउस के साइड शायद हमको मूव करने के लिए बोल रहा है और हम और वो अपने लैंड को अफोर्डेबल हाउस में कन्वर्ट कर लिए करेंगे। 500 करोड़ के संबंध
प्लस अर्पा विकास योजना थी, सब मिला के जहाँ दुर्भाग्य है कि मास्टर प्लान मतलब आनी पानी चाहिए और चेन टूट रही है सबकी, और पब्लिक के लिए है, ग्राहक ही हमारा अन्नदाता है। जीडीपी तो जो बदलते हैं, रियल एस्टेट चलेगा वहाँ मंदी नहीं आएगी, तो ये तो सारे पैसे फंस गए हैं। हम ग्राहक को अफोर्डेबल हाउस दें तो दें कैसे, शासन कहता है कि हर महीने योजना लाते हैं। बाद में बी लाइव में इस पे बात करेंगे, अंतिम में एक राउंड रैपिड ले लेते हैं बस इस पर कि आपका अपना ओपिनियन जो भी आप देना चाहें कि किस तरह से ये बायर के हित में ठीक है, अच्छा है, और हम लोग साफ सुथरा क्लियर काम कर रहे हैं, हमको कोई डर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ अभी जो समस्या है अवैध निर्माण का, इतना पटाखे और हम लोग 20 लाख में बेचते हैं, लोग राज्य शासन हाथ चाहे नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्टर मीटर का उन्होंने आप नाम रजिस्टर कराएंगे, उससे नीचे का प्रोसेस, इसलिए उसको बहुत प्लान करके एक संस्थागत संगठनात्मक ढांचे के तौर पर जिसको आप दे रहे हैं बात उठाई है कि आप इस बिल में बता दीजिए, क्लियर होइए, जो कुछ कठिनाई उन पर जल्दी टॉप डिस्कस जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ में, ताकि हम लोग जो आने वाला है लगभग एक पॉलिटिकल वर्ड लास्ट में वहां से जाते हैं जो मिनिस्टर ऑफ अर्बन मजबूर हो जाता है कि कंपनी बात करने के लिए पहले अभी तक की गई हो या आगे करने की।